आज के दिन मार्केट में तेजी का बोलबाला रहा है एंड काफ़ी सारे शेयर यहाँ पे अप ट्रेंड में बंद होने को दिखे हैं। यदि बात करें हम एडवेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटी, तो आज के दिन यहाँ पे 3.75 रुपये पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ के यहाँ पे बोलेंगे अपर सर्किट के लगभग बंद होने को दिखा है। कहीं BSE NSE में अपर सर्किट जरूर लगाए। मार्केट में तेजी के साथ साथ इस शेयर में बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली है। तो इस वीडियो में इसी के साथ हम बात करने वाले हैं एडवेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटी की टूडे लेटेस्ट अपडेट के बारे में एंड बात करेंगे फुल फंडामेंटल एनालिसिस की। उसके पहले यदि आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो अभी आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। अभी हम चलते हैं डायरेक्ट लेटेस्ट एनालिसिस के ऊपर। 3.75 रुपये के अपर सर्किट के साथ लास्ट ट्रेडिंग टाइम पे यहाँ पर 3.75 रुपये पे 15 पैसे बढ़ के 4.17% की बढ़त के साथ देखने को मिला है। वही यदि बात करें तो मिड सेशन के बाद बहुत अच्छी तेजी इस शेयर में यहाँ पे देखने को मिली। आप देख पा रहे होंगे 12 बजे के बाद एक अच्छी तेजी यहाँ पर, जो यहाँ पर चल रहा था 3.60 रुपये में, वहाँ से बढ़ते हुए 3.75 रुपये में जाने को डायरेक्ट यहाँ पर दिखा है। बकाया यदि बात करें प्रीवियस क्लोजिंग की, तो 3.60 रुपये पर कल के दिन बंद हुआ था, वही सुबह इसी ओपनिंग के साथ ओपन होता है। देन फिर सुबह थोड़ी लूजपन सा जरूर रहता है, लेकिन यहाँ पे मिड सेशन के बाद जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया एक अच्छी तेजी इसमें दिखाई देती है। वो तेजी हो सकता है नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में भी चलने वाली हो। नेक्स्ट ट्रेडिंग डे यहाँ पे मंडे को रहने वाला है। बकाया यदि बात करें यहाँ पे वॉल्यूम की, तो 1 करोड़ के वॉल्यूम लगातार यहाँ पे एक वीक से आ रहे हैं, 1 वीक से। यदि उसके पहले की बात करें तो 1 मंथ में यहाँ पे 2-2 करोड़ के वॉल्यूम आ रहे थे, तो वॉल्यूम अभी कुछ ज्यादा नहीं है। एंड डिलीवरी यदि देखें तो 61-62% की डिलीवरी आ रही है। आज की डिलीवरी भी अभी हम चेक कर लेते हैं, बट उसके पहले यदि चेक करें इसके प्राइस परफॉर्मेंस पैटर्न की, तो बहुत अच्छा प्राइस परफॉर्मेंस रहने वाला है। सभी में ग्रीन पैरामीटर में पहुंच गया है, जो इसकी गिरावट थी अब सब लोग यहां पर पॉजिटिव रिटर्न में बनाए हुए होंगे। हां, वो लोग यहां पर जरूर पॉजिटिव रिटर्न में नहीं होंगे जिन्होंने यहां पर माल 6 रुपए के ऊपर खरीद लिया, क्योंकि अभी वहां से तो ऊपर जाने को नहीं देखा। बट यहां पर यदि पैरामीटर्स में देखा तो यहां पर एक एवरेज परफॉर्मेंस पॉजिटिव ही बनाए हुए, कहीं भी नेगेटिव परफॉर्मेंस नहीं है। जिसने 1 महीने पहले इन्वेस्ट किया होगा वो भी यहां पर 1.35% के पॉजिटिव रिटर्न के साथ यहां पर अच्छे खासे रिटर्न के साथ, ठीक ठाक रिटर्न के साथ है। वहीं यदि 1-3 मंथ एंड YTD वाले 7% के रिटर्न के साथ बने हुए हैं। 1 ईयर के रिटर्न यहाँ पे थोड़ी कम है, 19% के रिटर्न है। एंड 3 ईयर के रिटर्न की बात करें तो सेटिस्फैक्टरी रिटर्न 181% के रिटर्न के साथ है। बकाया इस कंपनी की बात करें तो काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। इसी के साथ आज की हम डिलीवरी पैटर्न भी थोड़ी चेक कर लेते हैं। 60% के अराउंड की डिलीवरी यहाँ पे NSE पे देखने को मिली है। यदि NSE की बात करें तो 60.95% की डिलीवरी के साथ यहाँ पे आज के दिन इतनी ही डिलीवरी दी है। बकाया यदि क्वांटिटी ट्रेडिंग की बात करें तो 70 लाख से अराउंड की क्वांटिटी ट्रेडिंग देखने को मिली, जिसमें यहाँ पर डिलीवरी 42 लाख की देखने को मिली। यदि AMO सेक्शन की बात करें तो एक छोटी सी क्वांटिटी, जिसे हम बोल सकते हैं 2,228 की क्वांटिटी यहाँ पर बाइंग के लिए लगी हुई है। 3.75 रुपये का यहाँ पर बाइंग प्रेशर काफ़ी हैवी रहने वाला है। यदि आप देखें 3.75 रुपये जो इसका अपर सर्किट है, तो वहाँ पर नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में ऊपर खुलते हुए ऊपर जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि यहाँ पर बाइंग प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा आज भी रहा है। नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में ये यहाँ पर पहुंचने वाला है, जो यहां पे AMO सेक्शन आफ्टर मार्केट ऑर्डर के बाद जो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में पहुंचता है। बकाया यदि इस कंपनी की बात करें तो ASM स्टेज 1 में ये कंपनी है। 84 करोड़ टोटल नंबर ऑफ शेयर है, फेस वैल्यू 1 की रहने वाली। उसी के साथ ये यहाँ पे निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स का इंडिकेटर बना, इंडेक्स इंडिकेटर का एक पार्ट बना हुआ है। एंड जो सेक्टोरियल इंडेक्स है वो यहाँ पे 21.59 PE इसका इतना है रहने वाला है। बकाया आप लेटेस्ट न्यूज़ के लिए यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।